हम इसी प्रोसेस मैनेजमेंट के चैप्टर को देख रहे हैं। इसके अंदर आज हम देखेंगे सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सीपीयू स्केड्यूलिंग से मतलब ये होती है कि सीपीयू हमारे पास, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर सीपीयू एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस के ऊपर स्विच कर रहा होता है। आप आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे, टास्क मैनेजर आएगा, टास्क मैनेजर से भी आपको नजर आ रहा होता है कि हमारे पास कितने कितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और दूसरे बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। फोरग्राउंड वो प्रोसेसेस होते हैं जो आपके सामने चल रहे होते हैं और बैकग्राउंड वो प्रोसेसेस होते हैं जो के बैक के ऊपर चल रहे होते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो है, जो यूजर प्रोसेसेस होते हैं, जो जो यूजर चलाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, क्रोम है, VLC है, और मुख्तलिफ टूल्स हैं जो के आप चला रहे होते हैं, वो आपके पास फोरग्राउंड पे नजर आ रहे होते हैं। जो विंडो, ऐसे प्रोसेसेस जो विंडो चला रही होती है, विंडो उसको ऑपरेट कर रही होती है, विंडो वो विंडो को चला रहे होते हैं, जिनकी मदद से विंडो चल रही होती है, कर्नल प्रोसेसेस होते हैं, तो वो चीजें जो हैं वो आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग जो है, वो सीपीयू स्केड्यूलिंग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर जब सीपीयू स्विच करता है, एक क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं एट ए टाइम, सीपीयू यूजर प्रोसेस भी चल रहे होते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस भी चल रहे होते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस भी चल रहे होते हैं, तो एट ए टाइम जो है वो 20-25 प्रोसेसेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर एट ए टाइम 20-25 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर तो सीपीयू तो एक ही लगा होता है, अब वो 20-25 प्रोसेसेस को एक सीपीयू ने टाइम देना है। जैसे सपोज कर ले कि मैं एक उस्ताद बैठा हूँ क्लास के अंदर, एक टीचर है, और उसके सामने अब आपकी क्लास के अंदर इस वक्त 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब टीचर ने जब 40 स्टूडेंट्स को टाइम देना है, उसने 40 स्टूडेंट्स को टाइम देना है, अब मैं 40 स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियसली टाइम नहीं दे सकूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि एक एक स्टूडेंट के ऊपर जो है वो एक स्टूडेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। मिसाल है कि मैंने उनको उनका काम चेक करना है, एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का, मैं आपको दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। तो अब वो दूसरा काम चेक करना है, अब मैं एक स्टूडेंट का काम चेक करूंगा, फिर दूसरे का काम चेक करूंगा, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस सो ऑन। तो सीपीयू एक है, लेकिन वो जब एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इसके ऊपर स्विच करेगा, मल्टीपल टाइम जो है वो स्विच करेगा, तो वो किसी ना किसी एल्गोरिथम के तहत ही स्विच करेगा। इस तरह आप बैंक्स के अंदर जाते हैं, आपने बिल जमा करवाने हैं, तो वहां पर अगर 40 लोग आ गए हैं बिल जमा कराने के लिए, और जो बंदा बिल जमा करने वाला है बैठा हुआ, वो तो एक ही बंदा बैठा हुआ है बैंक की खिड़की के अंदर, एक बंदा बैठा बिल जमा कर रहा है। अब वो 40 लोगों को किसी ना किसी पैरा उसको डील करेगा, लेकिन किसी सेट पैटर्न के तहत डील करेगा कि किसी दूसरे बंदे के साथ ज्यादती ना हो जाए। तो वो इसके लिए हमारे पास मोस्टली जो बैंक्स के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, वो फर्स्ट, ये जो है आपके पास नजर आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस के ऊपर FCFS है, ये अल्गोरिथम है जो आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस के ऊपर चल रहा होता है। इस तरह हमारे पास, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी सीपीयू है, सीपीयू के पास एट अ टाइम 20-25 प्रोसेसेस फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। फोरग्राउंड वो प्रोसेसेस जो आपको सामने नजर आ रहे होते हैं, जैसे जो जैसे ये हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है इस वक्त, ये फोरग्राउंड प्रोसेस है। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, जो बैकग्राउंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होते हैं वो हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो
ये जो सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है इनकी ये मुख्तलिफ हमने छह इनको टाइप्स के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, बताया हुआ है यहाँ पर इस स्लाइड्स के अंदर। इससे ज्यादा भी टाइप्स हैं और लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की हाइब्रिड टाइप्स भी रिसर्च करके डेवलप की गई हैं और वो उन टाइप्स को आपस के अंदर कंपेयर किया जाता है कि इनमें से कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है। तो ये सीपीयू जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है, फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबन है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये शॉर्टेस्ट रन टाइम नंबर जो है ये इसका है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग है। तो ये जिन तालबिलों ने पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं इसके अंदर स्केड्यूलिंग जो स्केड्यूलिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक एक प्रीएम्प्टिव होती है, दूसरी नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। प्रीएम्प्टिव ये होती है जिसके अंदर एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाए और वो जब तक वो जॉब कंप्लीट नहीं होगी सीपीयू उससे वापस नहीं लिया जाता, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव ये होती है कि एक बार जिसको सीपीयू मिल गया थोड़ी देर बाद उससे सीपीयू फोर्सली वापस ले लिया जाएगा, आइदर वो उसने अपना काम कंप्लीट किया हो या उसने अपना काम कंप्लीट ना किया हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग ये है जैसे डॉस है, डॉस के अंदर आपके पास कमांड, आप एक डॉस चलाते हैं, डॉस के अंदर आप जो अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडो के अंदर डॉस चल रही है, आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले ले जाएं कि सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर डॉस ही इंस्टॉल्ड है, विंडो इंस्टॉल नहीं है, डॉस है आपके पास सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, वहां पर आप बैठ के एक कमांड लगाते हैं, जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक आप दूसरी कमांड नहीं लगा सकते डॉस के अंदर, ये प्रीएम्प्टिव है। एक बार जिस कमांड को सीपीयू मिल गया जब तक वो कमांड खत्म नहीं होगी उस वक्त तक सीपीयू उससे नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक आप दूसरी कमांड नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ नॉन प्रीएम्प्टिव है जिसके अंदर ये होता है कि अगर एक कमांड को एक सीपीयू मिल गया है तो आप उससे थोड़ी 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जितना उसका उसको बस टाइम कहते हैं उसको टर्न अराउंड उसको टाइम क्वांटम कहते हैं सॉरी, तो टाइम क्वांटम जो उसको साइन हो जाता है एक बार सीपीयू उस टाइम क्वांटम के बाद उस प्रोसेस से ऑटोमेटिकली वापस ले लिया जाता है। ये जो मल्टी लेवल स्केड्यूलिंग है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, शॉर्टेस्ट रन टाइम है और ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये राउंड रॉबन है, इसके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है और ये एफसीएफएस है, इनके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और एफसीएफएस, ये हमारे पास दो जो हैं प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है जिनके अंदर एक बार सीपीयू मिल जाए तो वो उससे नहीं लिया जाएगा। आगे हम चलते हैं, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से भी आपको जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से मुराद है कि जो चीज पहले आएगी उसको पहले डील किया जाएगा। हाँ जी, एक मिनट इसकी स्पॉटलाइट जी। अच्छा जी, सिंगल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, सिंगल प्रोसेसर से मुराद है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, सिंगल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसकी मिसाल जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बैच सिस्टम है। ये हमने पहली या दूसरी क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि बैच सिस्टम क्या होते हैं, जिसके अंदर 8-10 कमांड्स को इकट्ठा हम एक ही फाइल के अंदर लगा के हम उसको सीपीयू को भेज देते हैं,
सीपीयू जो है जो पहली कमांड आती है उसको पहले डील करता है, फिर दूसरी कमांड को डील करता है, फिर तीसरी कमांड को डील करता है, फिर चौथी को, सो ऑन। वो मिसाल है कि 10 कमांड्स हैं तो 10वीं कमांड तक वो उन सारी कमांड्स को वन बाई वन डील करेगा। और किस सीक्वेंस में डील करेगा, जिस सीक्वेंस के अंदर वो कमांड्स लगे हुई हैं। जो पहली कमांड लगी उसको पहले डील किया जाएगा, दूसरी कमांड जो लगी उसको दूसरे नंबर पर डील किया जाएगा, तीसरी कमांड है वो तीसरे नंबर पर उसको डील किया जाएगा। जब तक पहली कमांड से, जब तक पहली जो कमांड है वो खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है वो दूसरी कमांड नहीं चलेगी। जब तक दूसरी कमांड खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो तीसरी कमांड नहीं चलेगी। इसी तरह चौथी कमांड नहीं चलेगी, इस तरह पांचवी कमांड नहीं चलेगी, इस तरह छठी कमांड नहीं चलेगी। वो कमांड उस वक्त चलेगी जब उससे पहली जो कमांड है वो खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। तो बैच सिस्टम के अंदर जरा जो एल्गोरिथम चलता है उसको FCFS कहते हैं, इसको FIFO भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा सबसे पहले वही बाहर जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ये दोनों अल्फाज इसके लिए यूज किए थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों अल्फाज इसी के लिए यूज किए थे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसके लिए भी यही काम होता है। जो शॉर्टेस्ट जॉब, मिसाल है कि 10 जॉब्स आई हैं, वो देखा जाता है कि इनमें सबसे पहले छोटी कौन है, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उससे अगली जो छोटी जॉब है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद जो अगली जो छोटी जॉब है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हमारे पास ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इसके बाद इंटरेक्टिव सिस्टम्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंटरेक्टिव सिस्टम वो होते हैं जिनके साथ हम रियल टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बैच सिस्टम में रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होती। बैच सिस्टम के अंदर 8-10 कमांड्स को इकट्ठा एक ही जगह पे रख के कंप्यूटर को भेज दिया जाता है, फिर कंप्यूटर खुद ब खुद उनको वन बाई वन उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। जब तक वो 10 कमांड खत्म नहीं हो जाती आपको कंट्रोल कंप्यूटर का नहीं मिलता। उस वक्त तक कंप्यूटर फिर उन 10 कमांड्स को खुद ब खुद हैंडल करेगा। इंटरेक्टिव सिस्टम में होता है कि एक कमांड भेजी है सिस्टम को, एक वो प्रोसेसर एक कमांड को हैंडल कर रहा है, उसके दरमियान में आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, उसको मुदाखलत कर सकते हैं कि नहीं इसको छोड़ दो ये काम करो, फिर दूसरा काम कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं इसको थोड़ा टाइम दो, तीसरे पे आ जाओ, तीसरा काम वो कर रहा है तो आप उसको कहते हैं नहीं इसको मुकम्मल करो, जब तक ये मुकम्मल नहीं होता चौथा काम नहीं करना। तो रियल टाइम पे आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बैच सिस्टम के अंदर आप रियल टाइम पे इंटरेक्ट नहीं करते। बैच सिस्टम के अंदर 8-10 कमांड्स को एक ही डब्बे में बंद करके कंप्यूटर को दे दिया जाता है, और कंप्यूटर जो है जब तक उन 10 कमांड्स पे काम खत्म नहीं कर लेता कंप्यूटर आपको उस वक्त तक जवाब ही नहीं देता, वो कंप्यूटर खुद ब खुद उन 10 कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये जो इंटरेक्टिव सिस्टम है इनके अंदर जो एल्गोरिथम चलता है वो हमारे पास राउंड रॉबिन है। इसके अंदर जो दूसरा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है इसके अंदर ये चलता है। फिर इसके अंदर ये आपके पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है, ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, अगर 10 प्रोसेस हैं उनमें से शॉर्टेस्ट टाइम किस प्रोसेस का है वो हम उसको हिसाब से देख के काम करेंगे उसके ऊपर। ये ग्रंटेड स्केजुलिंग है, ये भी एक अल्गोरिथम है जिसके तहत हम चीजों को कंपाइल करते हैं। ये लूटरी स्केजुलिंग है, ठीक हो गया, और फेयर स्केजुलिंग है। तो ये हमारे पास सारे के सारे अल्गोरिथम्स हैं, इन अल्गोरिथम्स को हम डिटेल के साथ अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले जो अल्गोरिथम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर बात हो रही है, इस अल्गोरिथम के ऊपर। अब ये खत्म कर लिया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, इसको हम जो जैसे मैंने आपको कहा था कि इन अल्गोरिथम्स को जो है हम मुख्तलफ नामों से पुकारते हैं, इनको मुख्तलफ हम टाइटल्स वगैरह देते हैं जिसके अंदर फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट का भी हमारे पास है, इसी को रन टू कंप्लीशन है। रन टू कंप्लीशन से क्या मुराद है कि जब तक अगर एक एल्गोरिथम रन हुआ है, जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता, उस वक्त तक जो है वो एल्गोरिथम दूसरा प्रोसेस नहीं चलेगा। रन अनटिल फिनिश, जब तक वो उस वक्त तक चलेगा जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता। ये तीनों नाम जो है इसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बेसिस के ऊपर है। प्रोसेसेस आर डिस्पैच अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम, जिस हिसाब से वो प्रोसेस आते हैं उसी हिसाब से वो उन प्रोसेसेस को डील किया जाता है। एंड ऑन द रेडी क्यू के अंदर उनको डाल दिया जाता है। बीइंग ऑन नॉन प्रीएम्प्टिव डिसिप्लिन, वंस अ प्रोसेस हैज अ सीपीयू इट रन टू कंप्लीशन, जब तक वो प्रोसेसर के पास प्रोसेस के पास सीपीयू मौजूद है, उस वक्त तक जो है जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता, उस वक्त तक जो है वो सीपीयू उसी प्रोसेस के पास रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कम है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। ये भी ये मैंने जो आपको बातें की हैं वही इसके अंदर लिखी हुई हैं। रन द प्रोसेस इन ऑर्डर दे अराइव एट द शॉर्टेस्ट टर्म स्केड्यूलर है। रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस ओनली इफ इट ब्लॉक्स, अगर वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो वो उसको वेट स्टेट के अंदर लेके जाया जाएगा। वंडरफुल फॉर लॉन्ग प्रोसेसेस व्हेन दे फाइनली गॉट ऑन, टेरिबल फॉर द शॉर्ट प्रोसेसेस इफ दे आर बिहाइंड अ लॉन्ग प्रोसेस। मिसाल है इसकी कि अगर एक बंदा आप बिल जमा कराने गए हैं और आपके आगे जो बंदा आया है बिल जमा कराने के लिए, वो उसके पास एग्जाम्पल के तौर पे 10 बिल हैं उसके पास पकड़े हुए, और वैसे एक बिल ही जमा कराने, आप तो एक बिल जमा कराने आए हैं, लेकिन आपसे जो अगला बंदा लगा हुआ है वो 10 बिल लेके खड़ा हुआ है, तो अब वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर जो जॉब्स छोटे प्रोसेसेस होते हैं अगर वो बड़े जॉब प्रोसेसेस के पीछे लग जाए तो ये अल्गोरिदम उसका उस उन प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये एक आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है। यहां पर जो प्रोसेसेस होंगे हम इनको P1, P2, P3, P4, P5, P6 से मुराद ये है प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4, 5 एंड 6 जो है। ये 3 टाइम यूनिट है, 4 टाइम यूनिट है, 2 टाइम यूनिट है। इससे मुराद ये है कि ये प्रोसेस जो है कितना टाइम लेगा अपने काम करने को, सीपीयू का कितना टाइम उसको चाहिए, कितने मिली सेकेंड। इसके अंदर जो टाइम ज्यादातर कैलकुलेट किया जाता है सीपीयू स्केड्यूलिंग के लिए, वो ज्यादातर मिली सेकेंड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रोसेस P1 जो है जब आएगा तो वो उसको तीन मिली सेकेंड टाइम चाहिए सीपीयू का कि वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर ले। फिर प्रोसेस P2 है, उसको 4 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए कि वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर ले। इसी तरह प्रोसेस P3 है और दूसरे प्रोसेसेस हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। ये अभी जो बात हो रही थी इसकी ये मसाले दी हुई है, इसी के ऊपर फाइफो कहते हैं। ये इसकी मिसाल जो है अभी मैंने आपको जो दी है, ये रियल टाइम एग्जांपल के ऊपर बाइंग टिकट्स की है। ये लिखी हुई है कि अगर आपने टिकट्स खरीदनी है तो आपको लाइन के अंदर लगना पड़ता है, जैसे जैसे वो आप उसको अगले बंदों को टिकट मिलती जाएगी, जब तक उसको टिकट नहीं मिलेगी वो बंदा आपके सामने है, वो आगे ही खड़ा हुआ है। फाइफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक हो गया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है पहले। इसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, इसका जो है परफॉर्मेंस मैट्रिक एवरेज वेट टाइम इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, एवरेज वेट टाइम, के एक बंदे को एवरेजन 10 प्रोसेसेस आए हैं, इन 10 प्रोसेसेस को
एक प्रोसेस को 3 सेकंड वेट करना पड़ा, एक को 6 सेकंड, एक को 10 सेकंड, एक को 15 सेकंड, एक को 2 सेकंड, एक को फिर 10 सेकंड। इन सब प्रोसेसेस को जो वेट करना पड़ा, हम इन सब प्रोसेसेस को जमा करके डिवाइड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एवरेजन एक प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ा। फिर हम इसी जो वेट टाइम है इसी को दूसरे एल्गोरिदम के वेट टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम का कौन सा अच्छा एल्गोरिदम चल रहा है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर जो दो चीजें दी होती हैं, इसके अंदर एक बस टाइम होता है, ये मिली सेकंड के अंदर दिया होता है। ब्रस्ट टाइम जो है, ब्रस्ट टाइम से मुराद ये होती है कि एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। एक बंदा कहता है जी सर मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए, एक बंदा कहता है सर मेरी बड़ी असाइनमेंट्स हैं, मैंने ज्यादा काम किया हुआ है, मुझे 15 मिनट चाहिए। एक और स्टूडेंट्स है वो कहता सर मैंने तो छोटा सा काम किया हुआ है, मेरी प्रॉब्लम छोटी है, आप मुझे 2 मिनट दे रहे, मैं 2 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक स्टूडेंट आता है उन्होंने कहा सर मैंने तो पूरी चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे 1 घंटा सर आपसे टाइम चाहिए। तो ये मेरे पास ये 4 स्टूडेंट्स हैं, एक 2 मिनट कह रहा है, एक 10 मिनट कह रहा है, एक 15 मिनट कह रहा है, एक 1 घंटा कह रहा है। तो ये जो अपना अपना ये टाइम कह रहे हैं अपना अपना चीजों को कंप्लीट करने के लिए, वो इनका कहलाएगा हमारे पास यहाँ पर बर्स्ट टाइम। ये इसका बर्स्ट टाइम कहलाएगा। इसका अराइवल टाइम है, इसके बाद ये चीज लिखी हुई है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम से मुराद ये है कि जब एक प्रोसेस कितने टाइम पर सिस्टम लाइन के अंदर आता है। एक बंदा सुबह का आके लाइन के अंदर लगा हुआ है, एक बंदा बाद में आके लाइन के अंदर लगा है, एक बंदा शाम को आके लाइन के अंदर लगा है। तो अराइवल टाइम जो है वो देखा जाएगा कि एक किस टाइम आता है, दूसरा किस टाइम आया, तीसरा टाइम किस टाइम आया। अराइवल टाइम जो है फिर इसको रिस्पॉन्स टाइम से माइनस किया जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप इस बंदे ने कितना वेट किया है। एंड ऑर्डर जो है वो, ये तीसरी चीज जो है इसके अंदर ऑर्डर होती है, ये भी हम इसको अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि ये चीजें किस तरह कैलकुलेट होंगी इसके अंदर। हाँ जी, इससे पहले कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर ये अराइवल टाइम जो है ये क्यू में आने का टाइम है उसका प्रोसेस का? हाँ जी, जब वो देखें एक बंदा आता है 8 बजे लाइन के अंदर लगता है, सबसे पहला बंदा सुबह 8 बजे आके लगा, जो उसके बाद में आके बंदा लगा वो आया मिसाल है कि 8:10 के ऊपर। अब जो पहला खिड़की पे जो बंदा रिसीव करने वाला है, उसको बिल काटने वाला बंदा है, वो मिसाल है कि आया 8:15 के ऊपर। अब जो पहला बंदा है वो 8 बजे आया, दूसरा 8:10 पे आया, जो अब खिड़की वाला बंदा है वो आया 8:15 पे। तो पहले बंदे को कितना वेट करना पड़ा? चलते हैं जी इसके ऊपर। मैं आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आम रूटीन के अंदर हमारे पास लोग इसी तरह ट्रीट हो रहे होते हैं, बैंक्स के अंदर किसी भी जगह जाएं तो लाइन लगी होती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बेसिस के ऊपर ही वहां पर बंदों को ट्रीट किया जा रहा होता है। तो रन जॉब्स इन ऑर्डर दे अराइव्ड, अराइवल टाइम के हिसाब से जो जॉब जिस हिसाब से आई है उस हिसाब से आई। कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट ये सर्व्ड लिखा हुआ है। अच्छा जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, सपोज कर रहे हैं कि वो प्रोसेस P1 है, नीड 24 सेकंड। जैसे भी मैंने मिसाल दी, पहला प्रोसेस है उसको 24 सेकंड चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है, इन बाकी 2 और 3 प्रोसेस को चाहिए सिर्फ 3 मिली सेकंड अपना प्रोसेस को, अपना टाइम को कंप्लीट करने के लिए। ये हमारे पास गैंट चार्ट बना हुआ है, ये गैंट चार्ट आपने पहले भी दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर में भी देखा होगा। इसके अंदर गैंट चार्ट के अंदर हम ड्रा करते हैं कि आपको पता चल सके कि कितने टाइम लगेगा। P1
ये जीरो है, ये टाइम आ रहा है 0, 24, 27, 30, ये हमारे पास टाइम आ रहा है। तो जैसे यहां पर लिखा है हमारे पास के पी वन जो है, हमारे जो पी वन प्रोसेस है वो लेगा 24 सेकंड लेगा। तो यहां पर आप देखें ये जो गैंट चार्ट बना हुआ है इसके अंदर जो पी वन प्रोसेस आया है वो इसके अंदर उसने पहले लिए हैं हमारे पास फर्स्ट 24 जो है सेकंड। पी टू और पी थ्री दोनों को जो टाइम दिया गया है वो दोनों को अपना काम कंप्लीट करने के लिए 3-3 सेकंड चाहिए। ये फिर पी टू आया, उसके बाद ये पी थ्री आया, तो इसके अंदर हमारे पास इनको 3-3 सेकंड चाहिए। अब हम देखते हैं इसको, डर्ट सिंपल टू इम्प्लीमेंट हाउ गुड इट इज, अब चेक करते हैं ये कितना अच्छा एल्गोरिथम है। थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होती है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, कितना अच्छा ये टाइम दे, 3 जॉब्स हैं और 30 सेकंड है। ये थ्रूपुट का फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है कंप्लीशन के लिए। इन 3 जॉब्स को हमारे पास 3 जॉब्स थी, P1 24 सेकंड, P2 और P3, ये हमारे पास 3 जॉब्स थी और इनको टोटल चाहिए थे 30 सेकंड्स अपनी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ जॉब्स 3 जॉब्स हैं हमारे पास, डिवाइड बाई इनको जो टाइम लगा तो 30 सेकंड लगे इनको कंप्लीट होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 जॉब पर सेकंड, ये हमारे पास इसकी आएगी थ्रूपुट इसकी। अब टर्न अराउंड टाइम जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर के टर्न अराउंड, एक प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर क्यू के अंदर कितनी देर तक लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। अब देखें जरा फिर बात सुन लें, एक प्रोसेस कितनी देर लाइन में लगा रहा है और जब तक उसने अपना काम खत्म नहीं कर लिया, जब वो आया है और जब तक उसका काम खत्म नहीं हुआ उसको कितनी देर लाइन के अंदर लगना पड़ा है, दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। अब देखें जरा पी वन जो प्रोसेस है उसको 24 सेकंड चाहिए थे क्योंकि वो शुरू के अंदर सबसे पहले प्रोसेसर ही पी वन को, जैसे ही पी वन आया जीरो पे, पी वन आया जीरो पे, यहां पर पी वन आया है यहां पर जीरो पे ऊपर, इसको जरा भी वेट पी वन को कोई भी वेट नहीं करना पड़ा, ये जीरो पे आया है पी वन जो है। तो जैसे ही ये पी वन जो है वो जीरो के ऊपर आया है यहां पर, इसको किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ा। जब इसको वेट नहीं करना पड़ा तो अब इसको कितने टाइम लगा जी, 24 सेकंड यहां तक जो है ये प्रोसेस जो है ये सिस्टम के अंदर मौजूद रहा है। तो ये आ रहा है पी वन जो है 24 सेकंड। अब पी टू जो है आया तो वो भी जीरो के ऊपर था लेकिन उसको क्योंकि वो बाद में आया है दूसरे इस पोजीशन पे आया, अब उसको वेट टोटल सिस्टम के अंदर वो जीरो से लेकर 24 सेकंड जो है वो सिस्टम के अंदर वो पी टू जो है वो लगा रहा है। पी थ्री जीरो से लेकर 30 सेकंड तक जो है वो सिस्टम के अंदर बैठा रहा है और जब तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं कर लिया। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है हम इन तीनों को जमा करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 3 के ऊपर क्योंकि ये 3 प्रोसेसेस हैं, तो ये 24-27 मिली सेकंड इनका टर्न अराउंड टाइम है। इनको डिवाइड करेंगे तीनों के ऊपर तो 27 मिली सेकंड एवरेज एक प्रोसेस को टाइम लगा है अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसकी एक हम और आगे जाके मिसाल जो है वो भी हम देखते हैं कि ये कैसे मिसाल होती है इसकी हल, इसकी एक और मिसाल भी देखते हैं और इसको हम उल्टा के भी देखते हैं दूसरे एंगल से। अब ये दूसरा एंगल है इसका,
सपोज वी स्केड्यूल पी टू पी थ्री एंड देन पी वन. अब पिछली जो स्लाइड्स है इसके अंदर हमारे पास जो चल रहे थे वो पी वन पहले चल रहा था, फिर पी टू चल रहा था, फिर पी थ्री चल रहा था. अब हम कहते हैं कि सपोज करें पी टू पहले आया है, फिर पी थ्री आया है, फिर पी वन आया है. अब पी टू पहले आया है तो पी टू चलेगा या हमारे पास तीन तीन सेकंड तक जो है वो पहले पी टू चलेगा, उसको तीन सेकंड का टाइम था. फिर P3 का भी टाइम तीन सेकंड था, ये आपको याद होगा पिछली स्लाइड्स के अंदर दोनों का टाइम इसका था. और P1 जो है इसका 24 सेकंड था, तो ये हमारे पास पिछली एग्जांपल में भी 30 तक आ रही थी, इसके अंदर भी 30 तक आ रहा है. लेकिन अब इसका जो है ये चीजों का टाइम चीजें बदल जाएंगी, थ्रूपुट टाइम वही रहेगा. तीन जॉब्स हैं 30 सेकंड के अंदर हुई हैं, ये 30 सेकंड लगे हैं इसको. लेकिन क्योंकि जॉब तीन जॉब्स हैं, ये तीन जॉब्स हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए ये 30 सेकंड लगे हैं, तो इसलिए ये वही टाइम रहेगा 0.1 जॉब पर सेकंड. थ्रूपुट टाइम जो है अब ये इसका कैसे कितना रहता है जी, इसका सॉरी टर्न अराउंड टाइम जो है, पहली जॉब को कितना टाइम लगा पी वन को 30, जबकि पिछले एल्गोरिथम के अंदर पहले जॉब को उसको लगे थे 24. यहां पर अब यहां पर पहला जो पहली जॉब है वो 30 सेकंड तक जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद रही है, 30 सेकंड तक सिस्टम के अंदर मौजूद रही है. दूसरी जॉब P2 कितनी देर तक मौजूद रहा है, ये 3 तक मौजूद रहा है, P2 उसके बाद नहीं है, P2 ये 3 सेकंड तक जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद रहा है. P3 जो है वो आपके पास 6 तक मौजूद रहा है, तो यहां पर ये जो 6 आ रहा है वो यहां से आ रहा है कि ये P3 जो है वो 6 तक यहाँ पर मौजूद रहा है. अब यहां पर इसको एवरेज कर लें इनकी, 30 जमा 3 जमा 6 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 13 मिली सेकेंड, जबकि हमारे जो पिछली जो स्लाइड है उसके ऊपर आ रहा था 27 मिली सेकेंड. तो 13 अब इस अगर हमने ये ऑर्डर चेंज करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोसेसेस के आने का टाइम है, इसके अंदर P2 पहले के अंदर हमारे पास जो टाइम आया था जो लास्ट स्लाइड है उसके अंदर जो टाइम था वो पहले P1 आया था और वो मांग रहा था 24 सेकंड, फिर हमारे पास आया P2 आया और उसने हमसे मांगे 3 मिली सेकंड, फिर आया हमारे पास P3 आया उसको भी चाहिए थे 3 मिली सेकंड. तो उसके हिसाब से जब ये कैलकुलेट हुआ था तो उसका टर्न अराउंड जो टाइम था लास्ट, ये अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें, इनको P1 पहले चलाएं, P2 बाद में चलाएं, P3 बाद उसके बाद में चलाएं, तीसरे नंबर पे चलाएं, तो हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम आ रहा था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम था, वो हमारे पास था आ रहा था 27 मिली सेकंड. जबकि अगर इसी स्लाइड्स को देखें, इसके हिसाब से देखें अगर हम, तो पहला हमारे पास आ रहा है, अगर हम चलाएं इसको P2 को पहले चलाते हैं और उसका 3 मिली सेकंड है टाइम, उसके बाद हम चलाते हैं P3 को चलाते हैं उसका भी 3 मिली सेकंड है, और उसके बाद हम P1 को चलाते हैं और इसका 24 मिली सेकंड है. तो अब इसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो आ रहा है 13 मिली सेकंड. अब यहां पर आ रहा है इसका 13 मिली सेकंड, ये इसका टाइम यहां पर आ रहा है 13 मिली सेकंड. अब आप ऊपर वाले को मलाइजा करें और नीचे वाले को मलाइजा करें, ये अगर हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो P1 पहले आए, P2 ये आए, इस पैटर्न के हिसाब से आएंगे तो 27 मिली सेकंड चाहिए, और अगर इसके हिसाब से आएंगे, अगर ये शॉर्टेस्ट जॉब पहले आ गई और लॉन्गेस्ट जॉब बाद में आई,
तो काम आसान है, 13 मिलीसेकंड चाहिए। लेकिन अगर बड़ी जॉब पहले आ गई और उसके बाद फॉलोड बाई टू शॉर्ट जॉब्स, ये पहली बड़ी जॉब है और उसके बाद दो छोटी जॉब्स हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, टर्न अराउंड टाइम कितना है जी, एवरेज 27 मिलीसेकंड। और अगर पहले दो शॉर्ट जॉब्स हैं और फिर बड़ी जॉब है तो फिर टाइम लगेगा 13 मिलीसेकंड में। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के अंदर एक इशू है कि अगर बड़ी जॉब पहले लग गई, आपसे पहले जो बैंक के अंदर लोग जो आए हैं अपना बिल जमा कराने के लिए, उन्होंने 10-10 बिल 15-20 बिल पकड़े हुए हाथ के अंदर, तो फिर जो उसके पीछे जो बंदा खड़ा है जिसने एक बिल जमा कराना है वो तो गया। और इसकी दूसरी मिसाल देता हूं, मिसाल आप तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए जाते हैं, आपने लेनी है 2 रोटियां, आपसे जो पहले जो बंदा रोटियां लेने के लिए खड़ा हुआ है वो रोटियां लेने के लिए खड़ा है 50 रोटियां, ठीक हो गया। अब आपको जब तक वो 50 रोटियां नहीं लगवा लेगा, जब तक आप वहां पर खड़े रहेंगे और आपका दिल कर रहा होगा कि यार मैं ऐसे कहूं कि यार ये 2 रोटियां बीच में मुझे दे और मैं तो घर को जाने वाला बनूं, तुम्हारा काम लंबा है। ये इस अल्गोरिथम के अंदर मसला है कि जब आप बड़ी जॉब के पीछे लग गए हैं, उसने 50 रोटियां लेनी है, आपने 2 लेनी है, 3 रोटियां लेनी है, आप बड़ी जॉब के पीछे लग गए हैं, तो फिर वहां पर टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर पहले आप कहते हैं जी ठीक है, वो बंदा हाँ जी आपने कितनी लेनी है, 2 रोटियां लेनी है, आप कितनी लेनी है, मैंने 3 लेनी है, इसने कितनी लेनी है, मैंने 24 रोटियां लेनी है, वो पहले 2 को फारक कर देता है, फिर 3 रोटियां लेने वाले को फारक करता है, वो उसके बाद वो कहता है ये आप 24 वाले आपको बात तीसरे नंबर पे रोटियां देता हूँ। अब ये क्या होगा कि वो तीसरा नंबर वाला जिसको रोटियां ले, उस तीसरे नंबर पे वो 24 रोटियां देने वाले को खड़ा कर लेगा लाइन के अंदर। अब वहां पर जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इसको कहते हैं कॉनवे इफेक्ट, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज के अंदर कहते हैं कॉनवे इफेक्ट। कॉनवे इफेक्ट यही होता है कि अगर बड़ी जॉब पहले लग गई तो फिर जो उसके पीछे जो फॉलोड जॉब है, जो छोटे छोटे वाली टाइम्स वाली जॉब है, वो सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो काफी लंबे टाइम अरसे के लिए वेट स्टेट के अंदर चली जाएंगी। होपफुली ये इसका आपको समझ लग गई होगी। अच्छा जी, ये मिसाल जो है ये वही दी हुई है P2, P3 और P1 की, ये जो लास्ट हमने डिस्कस की है ये वही चीजें उसकी लिखी हुई है। ये मिसाल, ये एग्जांपल वही है, अगर अगर प्रोसेस P1 पहले आता है और वो हमारे पास लेता है, ये उसकी दूसरी मिसाल दी है, प्रोसेस P1 आता है, ये 24, 27 इसको, इसने 27 रोटियां लेनी है, मिसाल मैं जेट की मिसाल देता हूं, 27 इसको मिली सेकंड चाहिए प्रोसेसर के, P2 को 9 मिलीसेकंड चाहिए और ये P3 को जो है वो 2 मिलीसेकंड चाहिए। अब आप देखेंगे इसी को चला के देखें, इसी का गैंट चार्ट अगर आप बनाएंगे तो सिस्टम के अंदर, तो पहले को जो है वो चाहिए पहला 20, ये 27 मिसाल है इसको लग गए, और दूसरे को चाहिए 9 सेकंड, तो ये 9 सेकंड का मैं इतना बना लेता हूं, और फिर तीसरे को चाहिए 2 सेकंड, तो मैं 2 सेकंड का इतना रख लेता हूं। तो यहां पर आ गए आपके पास, यहां पर है 27 वाला सेक्शन है यहां पर है, और यहां पर उसको लगने हैं 9 यहां पर, और यहां पर उसको लगने हैं हमारे पास 2। तो पहले को 27, दूसरे को 9, और यहां पर कितने बन गए, 27 और 9, ये बन गए हमारे पास 36, और यहां पर टोटल बन गए हमारे पास 38। तो ये देखें ऐसे ही, यही ऐसे बनेगा चार्ट इसका।
और ये जीरो है और यहां पर यहां तक उसको 27 लगेंगे और 36 है और 18 है, ठीक हो गया। तो जीरो क्योंकि ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जीरो पे आया, पहला प्रोसेस P1 जो है क्योंकि वो पहले ही आया, उसको जीरो टाइम वेट करना पड़ा है। ये हम वेट टाइम कैलकुलेट करने लगे हैं, एवरेज वेट टाइम। ये पहले जीरो पे आया है तो ये जीरो आ जाएगा, फिर दूसरा 27 है क्योंकि ये 27 है यहां पर, और तीसरा जो है वो खत्म होगा वो 36 के ऊपर होगा। तो ये तीसरा जो है वो तीसरा इतने मिनट इसके ऊपर आएगा, तो ये 30 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा। इसका हम देखेंगे तो हमारे पास इफ नाउ कंसीडर इफ द प्रोसेसिंग हैड अराइव्ड, अगर P2 पहले आए तो P2 पहले आएगा तो ये 9 सेकंड लेगा, उसके बाद P3 आए तो ये यहां पर 2 सेकंड लेगा, हमें इतना बना लेते हैं 2 सेकंड का, और इसके बाद अगर P1 आए, इसका ऑर्डर चेंज करें तो P1 जो है वो इतना टाइम लेगा इसका। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 6. अच्छा जी, तो इसका 6.6 मिली सेकंड आएगा। अगर मैं ऊपर वाले को लेता हूं तो ये हमारे पास इसका आएगा 21 मिली सेकंड, और अगर मैं इसका जॉब ऑर्डर बदलता हूं तो अब इसका आएगा 6.6 मिली सेकंड। तो ये इसका FCFS का ये सबसे बड़ा मसला है, ये जो कॉनवे इफेक्ट है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया जो अभी, ये वेट टाइम के ऊपर आएगा, कितना जरा वेट करना पड़ेगा ना। टर्न अराउंड टाइम होता है कि वो सिस्टम के अंदर कितनी जरा देर तक घूमता रहे, टर्न अराउंड टाइम, जितनी देर तक वो सिस्टम के अंदर मौजूद रहेगा उतनी देर तक जो है वो उसको, वो उसका टर्न अराउंड टाइम है, वेट टाइम और है, कितनी देर उसको वेट करना पड़ा है। ये यहां पर हमने वेट टाइम कैलकुलेट किए हैं, ये 0 + 27 + 30, ये तीनों का मिला के एवरेज वेट टाइम कैलकुलेट किया है तो ये 21 मिली सेकंड बनता है। नीचे अगर हमने इनका ऑर्डर बल देते हैं, ऑर्डर बल देते हैं कि P2 पहले आएगा, P3 आएगा, फिर P1 आएगा, तो ये अगर इसका बलते हैं तो 6.6 है इसका। जी ये उसका आ गई है मिसाल, ये वही चीजें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो ये यहां पर इसको खत्म करें। अच्छा जी, ये P1 P2 P3 प्रोसेसेस हैं, यहां पर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, ये P1 है, P2 है और P3 है। P1 को जॉब कंप्लीट करने के लिए 24 चाहिए, P2 को 3 और इसको भी 3 चाहिए। इसका वेटिंग टाइम कितना है इसके हिसाब से नीचे से देखेंगे, यहां पर वेटिंग टाइम इसका आ रहा है 0 क्योंकि सबसे पहले आया है, लाइन के अंदर सबसे पहले लगा है, तो इसको 0, इसको तो वेट ही नहीं करना पड़ा, इसको तो 0 चाहिए। और उसके बाद जब दूसरा आया है, इसको वेट कर, जब तक पहले का काम खत्म नहीं हो गया उस वक्त तक प्रोसेसर पहले से नहीं लिया जाएगा, इसलिए P2 को वेट करना पड़ा है 24 मिली सेकंड। ये 24 यहां पर है और ये 24 यहां से लिया गया, ये 24 मिली सेकंड P2 को वेट करना पड़ेगा। अब P2 को चाहिए थे 3 मिली सेकंड उसको जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो P2 ने यहां पर 3 मिली सेकंड यहां पर लिए, तो ये 24 + 3 जो है 27 मिली सेकंड इसको यहां पर टाइम लगा, इसको वेट यहां पर 27 वेटिंग टाइम, इसको 24 वेटिंग टाइम आ गया और ये 27 तक गया। P3 को 27 के बाद जाके प्रोसेसर मिला, 27 मिली सेकंड के बाद इसको जाके P3 को जाके मिला है प्रोसेसर, तो P3 को वेट करना पड़ेगा 27 तक। तो एवरेज जो है ये इनकी बन गई 17। टर्न अराउंड टाइम अब देखें जरा, पहला ये अब देखना है कि गैंट चार्ट के अंदर कौन सा प्रोसेसर कितनी देर तक मौजूद रहा है।
अब ये जो P1 प्रोसेस है इसके अंदर, P1 प्रोसेस इसके अंदर 24 मिली सेकंड तक मौजूद रहा है। इसके अंदर 24 मिली सेकंड के बाद P1 प्रोसेस जो है वो आपको इस चार्ट के अंदर नहीं नजर आएगा। ये राउंड रॉबन जब हम करेंगे या दूसरी करेंगे तो फिर आपको ये टर्न राउंड टाइम जो है वो एक दो चार बार चीजों को मिला के सम करके करना पड़ेगा। वो आगे जाके आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, मैं आगे दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इसकी। अब ये जो 20 P2 है, अब देखें इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। ये सिस्टम इस गैंट चार्ट के अंदर 27 तक जो है यहां तक बैठा रहा है, 27 तक यहां तक ये बैठा रहा है सिस्टम के अंदर। जीरो पे आ गया था ये, और लेकिन 27 तक जो है वो यहां तक सिस्टम के अंदर बैठा रहा है। और इसलिए ये जो 27 आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये 27 क्योंकि ये 27 है, ये वाला 27 है, ये वाला 27 है। और ये जो ऊपर वाला 24 आ रहा है वो हमारे पास 24 ये वाला आ रहा है। और P3 जो है इसी तरह यहां पर ये 30 आ रहा है, तो इसको ये 30, ये वाला 30 है। तो अगर हम इसको करेंगे एवरेज टर्न, ये टर्न अराउंड टाइम करेंगे तो इसका हमारे पास जवाब आता है 27। ये भी FCFS की एग्जांपल है, इसको भी आप, ये गैंट चार्ट उसी हिसाब से बना हुआ है, पीछे मैंने आपको चीजें समझाई हैं, इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका कितना टर्न अराउंड टाइम आ रहा है और कितना इसका जो आ रहा है वेटिंग टाइम कितना आ रहा है। यहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसकी। ये इसी के अंदर यही चीजें दी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। ये P1, P2, P3, P0 है, ये P0 भी ले आया है बीच में, P0 है ये यहां पर, एक मिनट मुझे ये चीजें, यहां पर ये P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, ये इनका एग्जीक्यूट टाइम दिया गया है। ये एग्जीक्यूट टाइम वही है जो बस टाइम है इसका, ये 5 सेकंड लगेंगे, इसको 3 सेकंड चाहिए, इसको 8 सेकंड चाहिए, इसको 6 चाहिए। तो ये हमारे पास इनका बस टाइम है। तो ये सर्विस टाइम इसको 0, ये क्योंकि 0 पे आया है तो ये फौरी तौर पे इसको 0 के ऊपर, जैसे ही आया फौरी तौर के ऊपर इसको जो है वो चीजें जो है वो इसको मिल गई हैं, इसको 0 के ऊपर ही इसको चीजें मिल गई हैं इसको। दूसरे को क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 मिली सेकंड था, इसलिए इसको दूसरे को 5 मिली सेकंड वेट करना पड़ा है। इसका क्योंकि 3 था, 5 के बाद 3 था, तो इसलिए इसको मिला के 8 मिली सेकंड वेट करना पड़ा है। अब ये इन तीनों को मिलाएंगे तो 5, 3, 8 और 8, 8, 16, तो ये और ये 8, 16 मिली सेकंड सर्विस टाइम इसका आ रहा है। तो ये गैंट चार्ट जो है ये इसी हिसाब से P1, P0 है, P1 है, P2 है और P3 है, तो इसको टोटल चाहिए इनको 22 मिली सेकंड ये सिस्टम के अंदर रहे हैं। और ये इनका टोटल एवरेज वेट टाइम यहां पर आ गया, यहां पर ये लें जी। चलते हैं जी अगली स्लाइड के ऊपर, रेस करें इसको यहां से। इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं FCFS के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के। इजी सिंपल है वेरी, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसको देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। डिसएडवांटेजेस हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव से मुराद ये कि जब उसके पास सीपीयू एक बार साइन हो गया फिर उसे सीपीयू वापस नहीं लिया जाएगा जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता। आपसे आगे जो है एक बंदा 50 रोटियां लेने के लिए खड़ा हुआ है, जब तक उसको 50 रोटियां नहीं मिल जाएंगी उस वक्त तक आपकी बारी नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस है वो लंबे अरसे के लिए वेट करते रहते हैं, जो उसके पीछे जिसने एक रोटी लेनी है वो 50 रोटियों के पीछे बंदा एक रोटी लेने वाला खड़ा हुआ है, तो वो बेचारा अगर उसकी लंबी उसको वेट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर है। ये पुअर इन परफॉर्मेंस एवरेज वेट टाइम इज, आपको आपने देखा था कि जहां पर बड़ी जॉब्स पहले आ जाती हैं उसके बाद छोटी जॉब्स होती हैं वहां पर एवरेज वेट टाइम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जहां पर शॉर्ट जॉब्स पहले होती हैं उसके बाद बड़ी जॉब होती है वहां पर एवरेज वेट टाइम कम हो जाता है।
ये प्रॉब्लम, ये नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं है, एवरेज वेट टाइम इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, AWT, ये इससे मुराद यहाँ पर एवरेज वेट टाइम है। यहाँ पर ये मैं दिखा, ये लिखा हुआ है जी AWT, ये एवरेज वेट टाइम जो है वो ऑप्टिमल इसका नहीं है, साफ इतना अच्छा नहीं है। छोटी जॉब जो पहले आ जाए, बड़ी जॉब बाद में आ जाए तो अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बड़ी जॉब पहले आ गई, बीच में छोटी आ गई, और तरह का हो जाएगा। तो ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन सही तरह हो नहीं पाती। इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है सीपीयू, यहां पर सीपीयू बाउंड प्रोसेसिस, और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है आयो बाउंड प्रोसेसिस। ये दो चीजें लिखी हुई है आपको नजर आ रही है, सीपीयू बाउंड प्रोसेसिस और आयो बाउंड प्रोसेसिस। ये दो तरह के प्रोसेसिस होते हैं, जैसे प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। स्केड्यूलिंग होती है, फोरग्राउंड प्रोसेसिस और बैकग्राउंड प्रोसेसिस होते हैं। इस तरह सीपीयू बाउंड प्रोसेसिस और आयो बाउंड प्रोसेसिस भी होते हैं। आयो बाउंड प्रोसेसिस से मुराद ये है ऐसे प्रोसेस जिनको कोई ना कोई इनपुट और आउटपुट चाहिए होती है, जिनके अंदर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, वो होती है हमारे पास आयो बाउंड प्रोसेसिस। और सीपीयू बाउंड प्रोसेसिस से मुराद है कि जिनको इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं होती, वो आपके पास आयो सीपीयू बाउंड के अंदर आते हैं। अब मैं इसकी ना आपको एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल से जो है वो आपको ये चीज क्लियरली समझ आएगी। ये मैं एक क्यूब बेसिक का प्रोग्राम लिख रहा हूं, यहां पर मिसाल है कि इनपुट ए, इनपुट बी, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें गौर से, ये इसके अंदर ये इनपुट बाउंड ये प्रोसेस है। एक ऐसा ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसके अंदर कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये आउटपुट है। ये अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो इनपुट बाउंड होंगी और ये इनपुट ये होंगी, दोनों ये इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये आउटपुट बाउंड है, इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अगर इस इंस्ट्रक्शन को देखें, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी इनपुट का और आउटपुट का तल्लक ना कीबोर्ड का मसला इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, ना ही इसके अंदर मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी दो वैल्यूज को जमा किया जा रहा है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर सिर्फ सीपीयू का काम हो वो आपके पास कहलाएंगी सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शंस, और जिनके अंदर किसी इनपुट डिवाइस और किसी आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो वो आपके पास कहलाएंगी इनपुट बाउंड प्रोसेसिस और ये आउटपुट बाउंड। ये जिस तरह ये इसके अंदर इन दोनों के अंदर इनपुट्स की जरूरत है, इनके अंदर कीबोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, और ये जो आपके पास प्रिंट सी है इसके अंदर आपके पास मॉनिटर की जरूरत है। तो पहली दो इंस्ट्रक्शंस और चौथी इंस्ट्रक्शन इन दोनों के अंदर, इन तीनों के अंदर इनपुट और आउटपुट की जरूरत है, जबकि आपके पास ये जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर सिर्फ सीपीयू की जरूरत है। रिजल्ट है, कॉनवे इफेक्ट है, ये मैंने अभी जो आपको बताया था कि रिजल्ट कॉनवे इफेक्ट, ये यहां पर लिखा हुआ है कॉनवे इफेक्ट है। तो कॉनवे इफेक्ट के अंदर वही आता है लो सीपीयू एंड आयो, लो सीपीयू क्योंकि इसके अंदर सीपीयू कम यूटिलाइज होता है और आयो डिवाइसेस ज्यादा इस्तेमाल होता है। कॉनवे इफेक्ट वहां पर आता है जहां पर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, इस चीज को हम कहते हैं कॉनवे इफेक्ट। सीपीयू जो जहां पर सीपीयू यूज हो रहा होता है वहां पर कॉनवे इफेक्ट बहुत कम आता है, जहां पर आयो का वेट किया जा रहा होता है वहां पर कॉनवे इफेक्ट ज्यादा आता है। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ये दो एल्गोरिथम है, ये इनके दोनों नाम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है और इसको शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी कहते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10 लोग आए हैं इकट्ठे
हम रोटियां लेने के लिए चार लोग आए हैं रोटियां लेने के लिए, हम पूछते हैं उससे भाई आपको कितनी चाहिए, वो कहता है दो चाहिए, वो कहता है तीन चाहिए, वो कहता है जिसको छह चाहिए, अच्छा जी इसके इसको कितनी चाहिए, इसको 24 चाहिए रोटियां, वो कहता है अच्छा जी जो जिसको एक बंदा कहता है जी मुझे एक रोटी चाहिए, वो कहता है एक वाले को पहले दें, उसके बाद इसको दो चाहिए इसको दें, इसको चार चाहिए इसको दें, उसके बाद ये इस भाई को 24 चाहिए 25 चाहिए, इसको सबसे बाद में रोटियां दें आप। तो इसी तरह प्रोसेसिस के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी जो चीजें हैं ये भी नॉन प्रियम्प्टिव है, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी मुकम्मल नहीं होगी तो ये नॉन प्रियम्प्टिव ही रहेगी। तो ये प्रोसेसिस आए हैं P, इसको ये प्रोसेसिस उसी तरह लगे हुए, P3 है, P1 है, P4 है, P5 है, P2 है, P6 है। तो कितना कितना टाइम चाहिए ये समझ ले आप, ये कितनी कितनी इनको रोटियां चाहिए अपना टाइम अपने अपने लिए। तो हम इनमें से देखेंगे कि सबसे कम किसको चाहिए, इसको दो चाहिए, इसको फिर हमने उस हिसाब से तरतीब से लगाएंगे, पहले इसको दो वाले को चलाएंगे, तीन वाले को चलाएंगे, फिर हम चार वाले को चलाएंगे, फिर पांच वाले को चलाएंगे, ये शॉर्टेस्ट जॉब है। अभी इसकी ये एग्जांपल दी भी है, वो कहता है कि फोर जॉब्स हैं ए बी सी डी, चार बंदे आए हैं, कम इनटू द सिस्टम इन दिस ऑर्डर, पहले ए बंदा आया, फिर बी बंदा आया, फिर सी बंदा आया, और ये चौथा बंदा डी आया। ये मैं देसी मिसाल से आपको समझाने लगा हूं आपको, ताकि जरा झटकी मिसाल है उससे समझ आ जाए। पहले ए बंदा आया, फिर बी, फिर सी, और चार बंदे आ गए जनाब। तो ये चार जॉब्स आई हैं सिस्टम के अंदर। पहले बंदे को 10 यहां पर इसको 10 सेकंड चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, दूसरे को 5 मिली सेकंड चाहिए, तीसरे को सी को जो है वो 7 चाहिए, और डी को 6 चाहिए। तो ये हम देखेंगे पहले, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अगर हम इन चारों को देखें तो सबसे जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो हमारे पास वो है 5 की, इसलिए सबसे पहले हम जो जॉब एग्जीक्यूट करेंगे वो हम बी जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा अल्गोरिथम यही कहता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, क्योंकि स्टार्ट हमने क्योंकि सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे इसलिए 0 पे आएगी रनिंग, इसको 5 चाहिए तो ये 5 चल के 5 पर एंड हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी जो शॉर्टेस्ट जॉब थी वो थी डी, डी नंबर की। तो डी नंबर क्योंकि ये गैंट चार्ट बनाएंगे अगर आप, तो इसको 5 के कंप्लीट होने के बाद ये अगर हम गैंट चार्ट बना लेते हैं इसका, तो सबसे पहले बी आएगी, बी के बाद हमारे पास आएगी वो आएगी डी आएगी, और इसके बाद डी के बाद उसके बाद हमारे पास आएगी सी, और सी के बाद हमारे पास आएगी ए। ये इसका इधर इस तरह गैंट चार्ट बन जाएगा। इसके अंदर हम लिख लेते हैं चीजें, तो ये बी सबसे पहले है, बी है तो इसको चाहिए 5, और इसको भी चाहिए, इसको चाहिए 6, उसके बाद इसको चाहिए 7, और इसको चाहिए यहां पर 10 चाहिए इसको। तो इस हिसाब से ये गैंट चार्ट बन जाएगा। नीचे यहां पर जब वेट टाइम आएगा तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा क्योंकि शुरू में स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यूज जो है यहां पर ये आ जाएगा 11, 11 पे खत्म होगा, यहां पर ये खत्म होगा 18 के ऊपर, और यहां पर ये खत्म होगा 28 के ऊपर जाके। तो ये इसका गैंट चार्ट बन जाएगा 0, 5, 11, और ये जो 18 है ये यहां पर हमारे पास ये वेट टाइम है, ये एवरेज वेट टाइम है। पहली जॉब को लगे 0 वेट, उसको 0 वेट करना पड़ा, दूसरी जॉब को 5 सेकंड वेट करना पड़ा मिली सेकंड, तीसरी जॉब को 11 मिली सेकंड वेट करना पड़ा, चौथी जॉब को 18 मिली सेकंड वेट करना पड़ा। तो इनको जमा करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8.5 मिली सेकंड एवरेज वेट करना पड़ा एक जॉब को,
अगर आप टर्न अराउंड टाइम देखेंगे तो पहली जॉब जो है वो सिस्टम के अंदर ये जॉब थी हमारे पास, पहली जॉब जो है ये प्रोसेस कौन सा आया था हमारे पास पहले बी नंबर का, फिर हमारे पास प्रोसेस जो आया हमारे पास वो आया डी प्रोसेस आया, उसके बाद हमारे पास आया सी आया, और उसके बाद यहां पर प्रोसेस आया ए। तो अगर हम पहले पहले को वेट जो करना पड़ा है वो पांच तक वेट करना पड़ा है इसको, तो ये पहला पांच, पहला जो बी प्रोसेस है वो सिर्फ 5 सेकंड तक इसके बीच में रहा है सिस्टम इस गैंट चार्ट के अंदर, दूसरा जो है वो 11 तक उस रहा है, तीसरा 18 तक रहा है, और चौथा जो है वो 28 मिली सेकंड तक जो है वो सिस्टम के अंदर आया। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 15.5 जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जो पांच लोग आए हैं हम देख लेंगे, हम उनको तरतीब लगा लेंगे, जो सबसे छोटा होगा जिसका रिक्वायरमेंट सबसे छोटी होगी उसको पहले, फिर उससे जो फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और हम इस हिसाब से हर चीजों को तरतीब से लगा के फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे।